श्रीनगर के बटवालू में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, एलओसी का एक जवान शहीद। मुठभेड़ के दौरान चार जवान घायल, आतंकी नवीद जट फरार। हाईटेक होगी जम्मू कश्मीर पुलिस, अब बॉडी कैमरे से होगी लैस। बीजेपी विधायक गगन भगत का विवादित बयान, कहा अनुच्छेद 35 से लाभकारी। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने गगन भगत के समर्थन में किया ट्वीट। केरल में मॉनसून के कहर में 29 मई से अब तक 180 लोगों की जा चुकी है जान। केरल में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात, अब तक 398 लोगों का रेस्क्यू। केरल के कई जिलों में 14 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका। केरल के इडुक्की में नदियों में उफान, घरों में घुसा पानी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके आज मछुआरों को समंदर में जाने से रोका गया। कोची में हवाई तस्वीरों में समंदर में समाया सा दिखा शहर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में मनाली काजा रोड पर आया दरिया का पानी, कई वाहन फंसे। उत्तरकाशी में झील टूटने से खीर नदी का गंगा नदी में आया उफान, 50 से ज्यादा होटल और घरों में घुसा पानी। धराली में जोखिम उठाकर रास्ता पार करते दिखे लोग, सड़क पर बहा दरिया। ऋषिकेश में भूस्खलन का कहर, NH-94 हुआ बंद, लगा लंबा जाम। रजौरी में मजबूर छात्र, करीब 8 स्कूलों के छात्रों को रोज दरिया पार कर जाना पड़ता है स्कूल। करौली में बारिश से भूस्खलन की आफत, टोडा भीम और मेहंदीपुर बालाजी सड़क मार्ग बंद। इलाहाबाद में बाढ़ और बारिश से निचले इलाके में जलभराव। बस्ती में सैलाब से मुसीबत, अस्पताल में जलभराव से मरीज और तीमारदार परेशान। गोंडा में बाढ़ प्रभावित इलाके में मचान बनाकर रह रहे पीड़ित। एनआरसी मुद्दे पर पीएम मोदी का ममता परवार, बोले जिन्हें जनाधार खोने का डर वही करते हैं गृह युद्ध की बात। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के गले लगने वाली हरकत को बताया बचकाना। राहुल पर निशाना साधते हुए बोले पीएम, अगर नहीं तय कर पा रहे हैं तो राहुल की आंख मारने वाली तस्वीरें देखिए। जीएसटी पर मोदी का पलटवार, कहा गब्बर सिंह टैक्स कहकर राहुल ने लोगों को उकसाया। लिंचिंग पर मोदी का सख्त बयान, कहा ऐसी एक भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। जेल में बंद मुजफ्फरपुर कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर के पास मिला 40 मोबाइल नंबर लिखा कागज। बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह में कार्रवाई तेज, सीबीआई टीम मिली तलाशी। सीबीआई के साथ साथ फोरेंसिक टीम ने भी की जांच पड़ताल। सीबीआई टीम के पहुंचने के साथ ही की गई थी भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। सीबीआई ने बालिका गृह के हर कमरों में की गहन तलाशी। बिहार के वैशाली में डांस के दौरान नशे में धुत, कुछ लोगों ने जमकर की फायरिंग। पहले डबल बैरल 12 बोर से एक शख्स ने किए कई फायर, इसी दौरान एक लड़का पिस्टल से दनादन गोली दागने लगा। ठुमकों के दौरान लोगों ने लगाई बोतलें, जमकर उड़ा नोट। गुड़गांव में एमजी रोड पर शराबियों ने जमकर मचाया हुड़दंग की मारपीट। मारपीट में कई लोग हुए लहूलुहान, नशे में गिरते दिखे शराबी। संभल में पुलिस ने 25,000 इनाम वाले दो बदमाशों को दबोचा, एसआई और कांस्टेबल जख्मी। कानपुर में एक दिव्यांग स्कूल में मासूम से रेप, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। इंदौर में एक और छात्रा ने हॉस्टल संचालक अश्विनी शर्मा पर रेप का केस दर्ज किया। बिहार के भोजपुर में लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है आसाराम की महानता का पाठ। भगिनी निवेदिता विद्यालय की तीसरी कक्षा की पुस्तक ज्ञान सेतु में पहला अध्याय ही रेप के आरोपी आसाराम पर आधारित।
उज्जैन में दुकान में घुसकर गुंडों ने की दुकानदार से मारपीट, भरे बाजार में पीटते हुए घसीटा। सिद्धार्थनगर में घर में घुसकर रेप की कोशिश, बीजेपी विधायक पर आरोपी को बचाने का आरोप। इलाहाबाद में नशे में धुत पुलिसकर्मी का हंगामा, पहले कार के सामने आया फिर जमकर की नौटंकी। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में 1200 नर्सों को दी गई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल का लंदन में निधन, 85 साल के थे भारतीय मूल के साहित्यकार। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।